अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट शेफ बासिर उस्मानी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा वेब बेस्ड रियलिटी कुकिंग शो हाउस ऑफ इटालिया प्रेजेंट द किचन स्टार सीजन 4 पावर्ड बाय द कुक बुक। दिल का दोस्त है इटालिया, गुड फॉर बोन्स इटालिया, क्योंकि अपनों से प्यार है। और हमारे जो अगले कंटेस्टेंट हैं, वो आप लोग पहले भी डेफिनेटली उनको देख चुके होंगे, वो काफ़ी टीवी शोज के अंदर टीवी चैनल्स के साथ उन्होंने काम कर चुके हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शेफ़ बशीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। शेफ़ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है शेफ़। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा इस किचन स्टार सीजन 4 के अंदर। थैंक यू। और आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो बाकी जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए मैं बताऊं कि कुकिंग की बेसिकली आर्ट है ये, आई थिंक ना, और इसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैनल हो या छोटा चैनल हो। मैं समझता हूँ जो एक शेफ की जिम्मेदारी है वो एक बेहतरीन फूड जो है प्रोवाइड करना। सही, क्योंकि बेसिकली दीन में भी है, हम कोई चीज़ खाना पकाते हैं खिलाते हैं तो उसकी भी सवाब है। तो इस नीयत से अगर करें ना तो प्रोफेशनली आपकी जो चीज़ में हाथ में बरकत होगी। बिल्कुल, तो मैं ये तो मैं समझता हूँ शेफ। पर ये जो हमारा जो कंपटीशन है जी जी, पर और बाकी जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर उनके लिए तो टफ हो जाएगा क्योंकि आप जो है वो और आपको तो सब जानते हैं। बिल्कुल, आप तो ऐसी बात नहीं है, हो सकता है। देखिए सही, कभी भी नो बडी इज परफेक्ट, आपको पता है। बिल्कुल, हम ये नहीं कहते, मगर काम करना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ का स्टाइल है, किसी का कुछ पसंद आता है, किसी की रेसिपी। और मैं जो समझता हूँ कि फूड के अंदर खास तौर पर क्यों कहते हैं कि लोग माँ के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। बिल्कुल सर, तो बेसिकली इसलिए होता है किसी के हाथ में ही बहुत ज़्यादा लज़्ज़त होती है जो उसकी रेसिपीज अट्रैक्ट करती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश है मेरी कि मैं आपको बेहतरीन सी और शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें होती सकती हैं जो ईजी बना सकें आप, वो चीज़ मैं बताऊँ ताकि आपको कोई परेशानी, क्योंकि लोग रेसिपी तो बहुत बताते हैं, लंबी लंबी रेसिपीज़ होती है, वो लोग जो है ना ढूंढते रहते हैं कि ये चीज़ कहाँ से यहाँ चीज़ है। तो मेरी कोशिश होती है एक शॉर्ट रेसिपीज़ हो और बेहतरीन सा जायका हो जो ईजीली आप बना भी सकें, नॉट कि नोट करके आप बुक में रख दें। बिल्कुल राइट। सो शेफ, आज आप हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? आज देखिए मेन कोर्स के बाद अक्सर जो है ना वो मीठा जो मीठा तो वैसे तो ही मुझे बहुत पसंद है। क्रीमी फ्रूट कॉकटेल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रूट कॉकटेल जो है इसका कस्टर्ड बना रहे हैं, फ्रूट कॉकटेल कस्टर्ड बना रहे हैं। तो इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़, सबसे पहले जो हमें कस्टर्ड चाहिए, पाउडर चाहिए, वनीला है इसमें। अच्छा, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मगर ये मैंने वनीला लिया है। और एक लीटर हमें दूध चाहिए, मतलब तो उसके लिए हमें 6 टेबलस्पून हम लेंगे पाउडर, यानी कि कस्टर्ड पाउडर 1 kg के अंदर शायद 1 टेबलस्पून राइट वनीला कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड। ओके, शुगर जो है हमारा 200 ग्राम फॉर 1 kg, ठीक है। फ्रूट्स है, और उसके अलावा भी चाहिए तो आप हमारे पास इटालिया की जो चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ चीज़ें, पीचेस हमारे पास। बिल्कुल, इटालिया का जो पीच है हमारे पास, स्ट्रॉबेरी है हमारे पास, ठीक है। और साथ में ये जो है पाइनएप्पल, आपका ब्रोकन पाइनएप्पल है, ये हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपका कंडीशन मिल्क जो है, ये भी इटालिया का है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आप ये चीज़ें अलग अलग नहीं रखेंगे तो कॉकटेल जो है हमारा ये बिल्कुल जो बेहतरीन से इसके अंदर हर चीज़ें मिक्स होती है, कॉकटेल फ्रूट कॉकटेल ये भी यूज़ कर सकते हैं। और आप इसके साथ साथ तो फ्रेश फूड भी इस्तेमाल, फ्रेश फूड जो है मतलब दोनों चीज़ें आपको ईजिली जो भी लगे उसके लिए बेहतरीन ये है कि टिन पैक में होता है नॉर्मल, अगर ज़्यादा यूज में बनाएं तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है, वरना तो हमारे पास फ्रेश जो है हमने वो भी लिया हुआ है। तो ये दोनों की कॉम्बिनेशन आपने करना है, ठीक है। सेकेंड वन, इसके अंदर जो है हमने जेली यूज़ करेंगे वो रेड जेली और एक ग्रीन जेली है, इसके पास दो फ्लेवर्स के हैं। नॉर्मल से पानी के अंदर उसको आप थोड़ा से हीट के अंदर आपने बनाना है, उसके बाद जो एक जेली होता है राइट, ठीक है। कुछ नट्स लिए हमने, ये नट्स है हमारे पास 20 ग्राम है, इसको हमने बारीक चॉप करके सेंटर में इसको टॉपिंग करनी है या गार्निशिंग के लिए, गार्निश के लिए बिल्कुल। और सेकेंड वन जो है आपका, ये हमने फ्रूट कॉकटेल लिए, केक लिए, जिसके स्लाइसेस करके हम इसका लेयर बनाएंगे। ये दो तो मतलब लेयर बेस, बेसिकली इसको चॉप करके बहुत से लोग कट कर लेते हैं, आप स्लाइस करके एक लेयर बनाते हैं, फिर इसके कस्टर्ड डाल के बनाएं, ठीक है। तो आइए फिर हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले हमने आपको जो है इसी बात, इसके लिए दूध चाहिए हमें, और इसको हम बॉयल करेंगे राइट। सबसे पहले आप इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। अच्छा, ये बॉयल होने
क्योंकि अभी हम नहीं डालेंगे, पहले जो थोड़ा रोलिंग बॉइल हो जाए उसके बाद हम उसके अंदर शुगर ऐड करेंगे, उसके बाद जो ये पाउडर के हम अलग से पीस बना देंगे ताकि वो गुठलियाँ नहीं बने, क्योंकि अमूमन होता है लोग पहले बना कर रख देते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि कॉर्न फ्लावर इसके अंदर ऐड है सही, तो लाजमी से वो लम्स आना शुरू हो जाए। श्योर, बिल्कुल। तो ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद जो है पहले सबसे पहले हम इसको एक बेस बना लेते हैं, शुगर ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं और फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। ओके, तो शेफ सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी रेसिपी के से रिलेटेड एक सवाल करूंगा, हाँ, कि मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हमारी पाकिस्तान के अंदर फूड ट्रैफल जो है वो दावतों के अंदर और शादी ब्याह के अंदर खाया जाता है, तो आपका जो फूड ट्रैफल है उसके अंदर एक कौन सी यूनिक चीज़ है जिसकी वजह से आप हमारे किचन स्टाफ बन सकते हैं? बिल्कुल सही। देखिए, फ्रूट ट्रैफल नॉर्मली लोग कस्टर्ड उससे बनाते हैं, जी जी, फ्रूट ट्रैफल में जी फ्रूट्स भी डाल देते हैं लोग, मगर क्रीम का एक लेयर मैंने डाला जो सॉफ्टनेस भी आएगा और एक टेस्ट बहुत डेवलप करेगा। सही, तो ये थोड़ा बेस में जो केक का जो है और क्रीम का, बिल्कुल, केक टेक्चर भी है, फिर नट्स भी यूज़ हो रहे हैं इसके अंदर, फिर जालीज ऑलरेडी यूज़ करते हैं ये सब लाइक, तो ये चीज़ें जो इटालिया की हमारी भी जो फ्रूट कॉकटेल्स हो रहे हैं ये बेहतरीन से मतलब, क्योंकि सेफ प्रोसेस से बनता है तो इसलिए ज़्यादा टेस्ट देता है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी बॉइलिंग आ गई, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर। फर्स्ट बॉइलिंग के अंदर आपने ऐड करना है इसके अंदर शुगर, ऐड करना है इसके अंदर 200 ग्राम फॉर 1 kg। जब पहला बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद शेफ जो है इसके अंदर शुगर ऐड कर रहे हैं। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? देखिए, ये रोलिंग बॉइल भी हो गया हमारा, ठीक है, अब हम थोड़े से फ्रूट्स काट लेते हैं क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो है इटालिया की जो फ्रूट्स हैं कॉकटेल हैं, तो हमें जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ से फौरन ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट के लिए भी मैं बता देता हूँ, इस तरीके से आपने कटिंग करनी है, आप उसको बारीक इस तरह करते हुए एक एक सेकंड में देख सकते हैं कि शेफ की जो कटिंग है वो एकदम वो है। और ये जो एप्पल है तकरीबन आपने एक एक 100 ग्राम जो है फ्रूट हमारे तीनों चीज़ों में, और आप देख सकते हैं शेफ जो है बिल्कुल कैमरे की तरफ देखते हुए काट रहे हैं। नाइफ कटिंग का एक स्टाइल है कि ये नील्स आप कैसी हो, ठीक है ना, और भले आँखें बंद करके आप काटें कोई बात नहीं, जबरदस्त है, ठीक है, क्योंकि ये अमूमन लोग नाइफ यूँ पकड़ते हैं और ये उंगली इस तरह आती है तो ये कटने का निशान होता है, जब भी इसको नील थम्स को अंदर रखें जैसे शेफ क्लॉक कहा जाता है, ये कुछ भी करें आप ज़्यादा बेटर, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। हम एक बेस बना लेते हैं शेफ, इसको हम पहले सॉरी साइड कर लेते हैं, बिल्कुल उसको तो शेफ हमारी जैसे फूड की कटिंग तो हो गई, आप इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये कि आप सबसे पहले एक जो है इसका जो बकाया दूध है हमारा तकरीबन 200 ml या समथिंग इस तरीके से 150 ml के करीब, हाँ, बिल्कुल दूध एक कप समझ लें आप इस तरह रख लें ताकि ईजी हो जाए आप व्यूअर्स को समझने के लिए, और 6 tablespoons आप ले लें नॉर्मल, ठीक है, 6 tablespoons कस्टर्ड पाउडर या वनीला कस्टर्ड पाउडर, आप कोई भी और फ्लेवर भी ले सकते हैं, ठीक है, 4, 5, 9, 6, ठीक है जी, ये हमने इसको तकरीबन 1 kg के लिए लिया है, मिक्स चाहिए हमें थोड़ा सा, और इसको हमें वेस्ट करना है इसके अंदर फिर डाइल्यूट कर रहे हैं मिल्क के साथ वनीला पाउडर, बिल्कुल पानी में भी कर सकते हैं मगर वो ये कि टेस्ट अच्छा आ जाए, क्योंकि हमने ऑलरेडी दूध को जो है ना कट ऑफ किया हुआ है, एक लाइटर है तो बेक होने के जो बॉयल होने के बाद 700-800 ml रहता है, तो जाहिर सी बात अगर हम उसको पानी ऐड करेंगे तो वो टेस्ट थोड़ा चेंज जाएगा, इसलिए हम इसके अंदर मिल्क ही ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको फास्ट भी कर लेंगे ताकि वो मिक्स करें। शो के हवाले से आपने बता दिया हमारे जो बाकी जो कंटेस्टेंट है इसके अंदर काफ़ी यंग भी आए, जी जी बिल्कुल, जिनकी उम्र 20-22 साल है वो कॉथम से स्टडी करके आए हुए, जी जी, तो उनके साथ आपको कम्पीट करना किस तरह लग रहा है? नहीं देखिए, ये मैंने कहा ना आपको कि तो और कुछ और वाइफ भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब हमारा जो शो का क्राइटेरिया है वो सबके लिए सब बिल्कुल होना भी चाहिए, शेफ भी हो, जी बिल्कुल, यंग जनरेशन भी हो, यूथ भी हो, और ऑब्वियसली हम लोग हाउस वाइफ या जो होम मेक हमारे कुक होते हैं उनको नहीं भूल सकते। देखिए बेसिकली तो जो असल है वो वुमेंस के लिए है कि हाउस में घर में जो पकाती है ऐसी बात उनका डेली बेसिस पे भी होता है काम ना,
मगर वही कहा बात है कि जितना हाथ की टेस्ट है वो डिफरेंट होता है। बिल्कुल। मगर कुछ टेक्निक्स होती है जो शेफ्स के पास होती है, वो लेने के बाद उनको जो है और अच्छा जो जाएगा, स्किल्स जो होते हैं वो थोड़े से शेफ के पास थोड़े से। बिल्कुल। तो ये देखिए इस तरीके से हमने आपके कटिंग के स्किल्स देखे, किस तरह आप आगे बंद करके नाइफ चला रहे हैं। देखिए आप इसकी ये लेंथ हमारे आ जाए, ठीक है, लाजमी सी बात है ये, क्योंकि अगर थिकनेस आ गई आपकी फौरन इसके बाद ही जो है इसकी आप लेयर जो हमारी तैयार होगा। तकरीबन जब आपने इसके कितने मिनट आपने इसके अंदर डाइल्यूट किया, बॉइलिंग बॉयल होने के बाद आप इसको जो बॉयल हो जाए और दोबारा हमने ऐड किया था, 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये देखिए आप बेहतरीन चीज़ आ गई है, थिकनेस भी आ गई, इसमें शुगर भी ऐड है और कलर भी इसका जो चेंज, येलो बिल्कुल इस तरीके से ये हो गया। अब इसकी जो बेस बनाना है हमने, उसके लिए मजीद हमने फ्रूट्स कटिंग किया हुआ है, तो हम इसका बेस बनाएंगे। अच्छा ये हमने थोड़ा सा जेली इसका बनाना है, ठीक है, इसके जेली के लिए आपने तकरीबन एक कप पानी डाल लें, क्योंकि इसके अंदर 50 ml के करीब जो है ना, 40 ml के करीब इसके अंदर जो है 100 ml के अंदर डाल दिए, और ये जो जेली है फौरन जो है वो इसकी डिसॉल्व हो जाती है 1 मिनट इसके अंदर मुश्किल से लगते हैं, पानी जैसे गर्म होने लग गया और इसके हमने ऐड करेंगे। ये देखें इसका मतलब शिमरिंग वर्ड नॉर्मल, ताकि ज़्यादा हीट भी ना हो और एकदम जो है वो बिल्कुल ड्राई भी रहेगा ना, वो बर्न भी ना हो जाए। बिल्कुल। अब इसको हमें थोड़ा सा मिक्स करना है, ठीक है, देखिए ताकि बहुत ज़्यादा हरी जो नहीं गाढ़ा भी ना हो और ज़्यादा पतला भी ना हो। वे शेफ हैं, ये प्रोफेशनल है, तो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ये कुकिंग कर रहे हैं। असल में पता भी होना चाहिए ना लोगों को इस तरीके से, आप जब सीखेंगे नहीं तो प्रोग्राम देखने का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा हो कि आप इतना अपना टाइम, ज़रूर ट्राई भी करनी करके, बिल्कुल ट्राई भी करनी और बताना भी है, कमेंट भी करना है आपने, ठीक है जी। अभी इसको बंद कर, इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारा वोटिंग क्राइटेरिया शेफ, आपको हमारा वोटिंग क्राइटेरिया पता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो वोटिंग इसका जो वोटिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि फेसबुक के ऊपर शेफ की वीडियो को 1 लाइक के ऊपर 1 पॉइंट, 1 कमेंट के ऊपर 2 पॉइंट और 1 शेयर के ऊपर 5 पॉइंट और 1 व्यू के ऊपर 1 पॉइंट, सेम एज यूट्यूब के ऊपर। पर यूट्यूब के ऊपर जब आप लाइक करेंगे तो उसका जो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, मतलब 1 जो पॉइंट मिल रहा है जी वो 3 आपको 3 गुना ज़्यादा मिलेगा। और ये हमारे पेजेस भी हैं, मेरे भी पेजेस हैं, उसमें बिल्कुल आप उसको शेयर कर सकते हैं, जितने ज़्यादा लोग शेयर करेंगे वीडियो करेंगे उतने ही ज़्यादा आप हमारे किचन नेक्स्ट ट्राई के करीब हो जाएगी। जब इंशाल्लाह आपको जब ट्राई करेंगे और आपको पसंद आएगा तो जरूर करेंगे हमें। बिल्कुल, आई होप के जी जी बिल्कुल बाकी कंटेस्टेंट भी आपको मुकाबला तो देंगे। तब जरूरी नहीं सीखना, देखिए बात ये है कि जीते कोई भी मगर कुछ सीख ले तो लाइफ में कभी भी कोई काम आएगा तो हम। और ये हमारा जो शो है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बिल्कुल सबके सामने है, जिसकी वीडियो के ऊपर सबसे ज्यादा लाइक कमेंट और शेयर आ गए वो हमारा ग्रुप का विनर होगा। अच्छा ये देखिए इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। अच्छा जी ये देखिए हमने जो है अब इसका केक जो है उसको कटिंग करना है आपने, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कट कर लें, नॉर्मली स्लाइसेस हो गए, सिंपल तरीका ही इसको टू के बीच में से बिल्कुल हाफ कर दें, ये लगे पीसेस में हो गए, अगर आप चाहें तो इसको और कर सकते हैं। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। सो व्यूअर्स जैसे कि शेफ ने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया भी और सिखाया भी, और अब ऑलमोस्ट अब इसकी लेयर्स जाएंगे। सबसे पहले हमने आप जो केक से उसके अंदर उसके स्पीजर एक लेयर लगानी है, सबसे पहले जो लेयर भी चाहिए वो केक की लेयर है, बिल्कुल केक की लेयर, ठीक है, और इसके अंदर फ्रूट्स हमने कटिंग जो की है, अब इसके अंदर फ्रेश फ्रूट जो हमने डाली है वो भी हमने इसके अंदर, सेकेंड लेयर के अंदर जो है वो फ्रेश फ्रूट्स आए, बिल्कुल, और जितने भी हमारे जो कॉकटेल है फ्रूट कॉकटेल इटालिया का जो फ्रूट कॉकटेल है इटालिया का, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सब ट्रीट भी है, पाइनएप्पल है, पीच है, पाइनएप्पल पीच इसके अंदर सारे जो ये आपके पास एक बॉक्स इनके ले लेंगे तो तकरीबन चीजें सारे फ्रूट्स आपको मिल जाएंगे। जो फ्रूट है वो हाफ टन जी जी बिल्कुल ठीक, और जिसके लिए हाफ 1 लीटर के हिसाब से है कि आपको 100 ग्राम लेना आपने, सही, तो आप इसके अंदर लेयर डालेंगे। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। So viewers, अब जो इसका इसके लेयर जी हमने बोल लेयर जो हमने इसके आपने डाला था मैंने कहा था इसके जो बहुत ने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयरिंग कर रहे हैं, लेयरिंग करेंगे ये देखें चाहिए फाइनल लेयर है इसके बाद, इसके बाद भी हम इसको 2 लेयर बनाएंगे क्योंकि आपको देखा होगा फ्रूट्स इसके नीचे बना रहे हैं, फर्स्ट लेयर के अंदर जो है वो केक आ गया था, सेकंड लेयर के अंदर जो है वो फ्रूट्स आ गए हमारे पे, अभी हमने और इटालिया का शेफ ने इसके अंदर कॉकटेल इस्तेमाल कॉकटेल है, अभी हम थर्ड लेयर के अंदर हम कस्टर्ड दोबारा थोड़ा सा फ्रूट डालेंगे, ये देखिए थोड़े से फ्रूट डालेंगे इसके अंदर आप मजीद या फ्रूट कॉकटेल जो हम इसको यूज़ कर लेंगे, तो तमाम ये फ्रूट्स इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद आ जाएंगे, इसके अंदर स्पून दे दें
ये हमारा स्पून आ गया, चिटबिट्स तकरीबन चीज़ें इसमें मौजूद है। देखिए पाइनएप्पल भी है, पीच है, पीच है और स्ट्रॉबेरी की पीस चांस और पाइनएप्पल के स्लाइस जी। ठीक है, अब इसके अंदर हम थोड़े से नट्स है वो हम एंड में भी डाल सकते हैं और इसको सेंटर में भी डाल सकते हैं। किस तरह के आप इसको तो आपकी नाइफ अगर थोड़ी सी इसके अंदर कट लगेगा तो उसमें नुकसान हो सकता है आपको। तो इस तरीके से देखिए हमने डाल लिए, इस तरीके से अच्छा फ्रेश क्रीम जो है इसके अंदर वो भी हम ऐड करेंगे। स्पून चाहिए मुझे थोड़े से इसके अंदर सेकंड लेयर में डालें, फिर टॉप पेज को पूरी वाइट जो है ना उसके अंदर फ्रेश क्रीम के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हमारा दिखे ताकि टेस्ट थोड़ा सा बहुत अच्छा हो जाए हमारा। ये शेफ सेकंड लास्ट लेयर है, ये बिल्कुल सेकंड लास्ट, और उसके बाद फार जो है ना बिल्कुल लास्ट ये है, दोबारा हम इसको ऐड करेंगे। ये हमारा आ गया खाएंगे भी तो इंशाल्लाह आपको यमी लगेगा। सो शेफ अभी हमने जो इसकी कस्टर्ड क्लियर बिछा दी, कस्टर्ड क्लियर बिछा दी, आप देखिए कहते हैं ना कि जितना गुड़ डाले उतना अच्छा मीठा होता है, इसी हिसाब से ये हमारे पे जो आखिरी जो हमारी ये कंडेंस्ड मिल्क है मिल्क है इसको आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी लेयर के लिए, क्योंकि बच्चे ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, थिकनेस भी अच्छी होती है इसकी। और इसके अंदर हम मिल्कानों का बिल्कुल कंडेंस्ड मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। आप थोड़ा सी मिल्क ऐड कर रहा हूँ मैं, ये देखिए ठीक है। इस तरीके से आप टॉपिंग भी कर सकते हैं, इसकी टॉपिंग भी कर सकते हैं और सेकंड लेयर भी कर सकते हैं, तो खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको, और इसकी जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो ये अब इसके अंदर हम जो है फ्रेश क्रीम जब इसको फाइनल जो हम कर रहे हैं, ये फाइनल कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो टॉपिंग्स है वो मजीद आप इसको सारे कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को आपने जब से लेना है नॉर्मल बिल्कुल फाइनल ईयर क्रीमी कस्टर्ड जो हमारा बिल्कुल फ्रूट कॉकटेल जो है वो रेडी है हमारा। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको क्रीम को बीट कर लिया, बीट करके थोड़ा थिकनेस आ जाती है और थिकनेस के साथ ये हमारा ये है। आप इसके अंदर टॉपिंग कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ इसके अंदर ड्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है, और दोबारा चाहें तो उसके कंडेंस मिल्क जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद है, तो इसके हिसाब से आप अपना यूज़ कर सकते हैं। ये रेसिपीज़ के हिसाब से हमने बता दिए सारी जो है कम और ज़्यादा जो है वो अपने मर्जी से आप कर सकते हैं। अब ये हमारी जो लास्ट है फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो हमने डालना है इसके अंदर स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं जिस तरीके से मर्जी आप इसको ड्रेसिंग जो है नॉर्मली आप। और ये जो हम स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी इटालिया बिल्कुल इटालिया कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी भी इटालिया के बेसिकली सारी चीज़ें। ये देखें सिंपल और ईजी तरीके से हमने उसको ड्रेसिंग कर देनी है। ऑलमोस्ट इसकी जो है प्रेजेंटेशन वो डन हो चुकी है। ये देखिए नट्स थोड़े सामने इसके कटिंग करके चॉप करके फाइनली जो शेफ इसके ऊपर नट्स स्प्रिंकल्स कर रहे हैं जी, ये हो गया। और इसको और भी ताज़ा दे दो बिल्कुल, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। मैं देखो अच्छा कोई भी चीज़ है ना, देखिए आप फाइव स्टार हो रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं चीज़ इतनी सी होती है मगर उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होती है, प्रेजेंटेशन आपकी प्रेजेंटेशन लग रहा है कि ये किसी प्रोफेशनली छोटी सी चीज़ में जितने अच्छे सकते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बाकी क्योंकि फ्रूट्स को ऐड किया आपकी शेफ इसकी जो इतनी ज़्यादा लेयर्स है तो ये हेल्दी भी है उतना, इसलिए मैं कर रहा हूँ कि फ्रूट्स आपने पता है डॉक्टर भी कहते हैं एप्पल इन अ डे एंड फ्रूट्स एक भी एप्पल जो है वो डेली बेसिस पे खाएं आप एक एप्पल। हाँ हमें कस्टर्ड भी डाल दिए है, ग्रेप्स भी डाल दिए इसके अंदर, और ये बच्चों के लिए भी मेरे ख्याल से बहुत हेल्दी हेल्दी होती है। मगर जो लोग शुगर पेशेंट है उनके लिए ये खास है कि बहुत से लोग कहते हैं फ्रूट्स नहीं खाएं, ऐसी बात नहीं, मैंने अभी हर चीज़ में कहते हैं थोड़ी सी क्वान्टिटी में खाएं, कम खाएं और बेहतरीन अच्छा हो। और जो सारी डाइट भी डाइट भी डाइट क्रीम भी हैं, मगर फिर भी कोई भी चीज़ यानी कि लाइक फ्रूट्स हो या कोई भी चीज़ हम उसको मिनिमम कम से कम यूज़ करेंगे तो आपको एक पेट भी भरेगा, उसकी ताकत भी मिलेगी, न्यूट्रिशन के साथ भी मिलेगी। ये चीज़ें इसको देखते हुए हमने सारी चीज़ें ऐड किया। जबरदस्त, थैंक यू शेफ, वेलकम। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे शो पे आए हैं और हमारे व्यूअर्स को आप
अपील कर सकते हैं वोट के लिए, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है कि आप हमारे बन सकते हैं अगले किचन स्टार सीजन 4 के। अच्छा बिल्कुल सही बात है, देखिए इशू इसमें नहीं है, लाजमी सी बात है, कोई भी हम प्रोग्राम करते हैं आप इसको पहले ट्राई करिएगा इंशाल्लाह ताला। अगर इसकी मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने बनाया है और आपने ट्राई किया है तो कैसा लगा आपको। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग देंगे इन्हें प्यार, बिल्कुल तभी हमारे बन पाएंगे अगले किचन स्टार। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले कंटेस्टेंट के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि अपनों से प्यार है।